चलो बच्चों लाइन में हम माधव राहुल कहाँ है अभी तक तो क्लास में ही था राहुल वहां क्यों छुपे हो बाहर आओ मिस मैं छुपा नहीं था ये पेंसिल नीचे गिर गई थी ना इसीलिए सॉरी मिस मैं चलता हूँ सारे बच्चे अपनी प्ले की लाइन याद करते चलो मुझे चिका पिका नहीं करना है बहुत बोरिंग है ये प्ले मैं नहीं करूंगा ये तो फिर शुरू हो गया तू अगर नहीं करेगा तो मिस डांटेगी तू चुपचाप चल मेरे साथ आगे की लाइन हाँ नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं कोई बात नहीं चलो वहां जाके बैठो बेटा अगर तुम ऐसे बोलोगे ना तो प्रिंसेस डर के भाग जाएगी इसलिए तुम प्ले में पत्थर का रोल करोगे मिस पत्थर क्यों 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 क्योंकि बेटा पत्थर बोलते नहीं है माधव कितनी हार्ड लाइन्स है और तू इतनी इजीली से कैसे याद कर लेता है पता नहीं कितना अच्छा होगा ना अगर टीचर ने मुझे प्रिंस बनाया तो और कितना अच्छा होगा ना कि टीचर मुझे ऐसे बार भगा दे और मुझे ये प्ले प्ले अच्छे नहीं लगते तुम प्ले में ट्री का रोल करोगे मैडम ट्री पर ट्री को तो स्टेज पे हमेशा खड़ा रहना पड़ता है और मुझे तो बार बार जाना पड़ता है चिका पिका चिका पिका चिक पिक ओ डियर प्रिंसेस बॉल तभी वापस दूंगा तुम्हें जब कर से आजाद करोगी मुझे अब अपना जादू दिखाओ और मुझे इस कर से आजाद कर दो बेटा अच्छा हमें हमारा प्रिंस मिल गया माधव माधव तुम बनोगे प्रिंस आर्यन अ फेवरेट हॉर्स And you, Mr. Smart, तुम बनोगे प्रिंस तुम्हें पता है राहुल तुम्हारे अपोजिट जो प्रिंसेस का रोल कर रही है ना वो सेंट मैरीज की सबसे क्यूट लड़की है
चलो गेट रेडी, हमें सेंट मेरी स्कूल जाना है ना, चलो काम काम। प्रिंसेस को तो लेस बांधना नहीं आता है। प्रिंसेस अपना लेस थोड़ी ना बांधती है, उसकी तो सर्वेंट होते हैं। आराध्या, इन दोनों को भी अपना सर्वेंट बना लेना। प्रिंसेस तुम्हारा हॉर्स कहाँ है? हॉर्स क्यों? सारी प्रिंसेस के पास उनका हॉर्स होता है। हॉर्स से तो मुझे बहुत डर लगता है, वो कितना बड़ा होता है, मेरे पैर भी नीचे नहीं टच हो सकते। आराध्या डोंट वरी, प्रिंसेस का जो प्रिंस होता है, प्रिंसेस का हाथ पकड़कर वो हॉर्स पर बिठा देता है। मैडम ने बताया ना, बॉयज आने वाले हैं माय प्ले की प्रैक्टिस के लिए, उनमें से तेरा एक प्रिंस होगा, वो ही तुझे तेरा हाथ पकड़ कर हॉर्स पे बिठा देगा। मेरा प्रिंस भी तो छोटा होगा, हॉर्स ने उसको गुप करके बाइट मारी तो। हाँ, तब क्या करेंगे? गर्ल्स, व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा था ना, सेंट जेवियर स्कूल के बॉयज आ रहे हैं प्ले की रिहर्सल्स के लिए। और आराध्या, तुम अपनी लाइंस भूली तो नहीं? नहीं टीचर, मुझे सारी लाइंस याद है। वेरी गुड, चलो चलो जल्दी चलो। हाय, हेलो गर्ल्स, ये है सेंट जेवियर्स के बॉयज जिनके साथ हम प्ले के रिहर्सल्स करेंगे। से हेलो, वेलकम देम। तो कहाँ है आपके स्कूल का प्रिंस चार्मिंग? मैं हूँ प्रिंस। आराध्या देखो, तुम्हारा प्रिंस, ये प्रिंस नहीं जोकर है। सॉरी मैम, ये तो हमारे स्कूल का नॉटी बॉय है। चलो तुम पीछे चलो। राहुल, आराध्या तुम पीछे क्यों छुपी हो, आगे आओ। ये है तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग, जाओ से हाथ मिलाओ।
प्रिंसेस का ऑर्डर है नो स्टडीज। मेरी बुक अरु। मारो, मुझे कोई प्ले प्ले नहीं करना। इतनी बड़ी बड़ी और अजीब सी लाइंस रहती है, कैसे याद करूंगा मैं? ऊपर से उस स्टूपिड प्रिंसेस की चोटी खींच के भागने का मन करता है। संभाल के अरु, बेटा मेरी नेल्स चिप हो जाएंगे। अरे मेरी प्रिंसेस को क्या हुआ, लड़ क्यों रही हो? पापा इसे बोलो मेरी बुक वापस करने, नहीं तो। मम्मी इसे भी कह दो, मुझे एक प्रिंस मिल गया है, उसके पास हॉर्स भी है, मुझे फाइट नहीं करे नहीं तो। अच्छा कौन है तुम्हारा प्रिंस? बहुत बोरिंग है, मुझे नहीं करना ये। तू ही बन जा प्रिंस। मैं तो प्रिंस बनना चाहता हूँ, लेकिन मिस पुंज प्रिंस बनाती नहीं है। मिस ने मुझे हॉर्स बनाया। क्यों, मैं हॉर्स जैसा दिखता हूँ क्या? मम्मा मम्मा आपको पता है मेरा प्रिंस भी ऐसा ही है, गोरा सा, रैबिट से थोड़ा सा कम वाइट। मामा प्राण बो। मैंने तो सारी लाइन बोली थी और एक एक्स्ट्रा लाइन भी बोली थी, फिर भी मिस ने मुझे प्रिंस नहीं बनाया। क्योंकि मुझे ब्राउन बो बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि ब्यूटीफुल प्रिंसेस को हमेशा हैंडसम प्रिंस ही मिलते हैं, चाहे जो हो जाए। वेरी गुड राहुल। आराध्या, जब फ्रॉग आपकी बॉल लेके बाहर आएगा तब आगे आकर अपनी लाइन बोलोगे। कलरफुल मेंढक, वो तुम कौन? वैसा ऐसे निकला जैसे जंगल के डॉन। Princess, मैं डॉन नहीं, मैं हूँ एक राजकुमार। ओ डियर प्रिंसेस, बॉल तभी वापस दूंगा तुम्हें जब कर से आजाद करोगी मुझे। वेरी गुड राहुल। मिस स्वाति, आर ऑल किड्स रेडी? वेरी गुड। एंड वेयर इज आवर क्यूट लिटिल प्रिंसेस? तैयार हुई वो? मिस मैं तैयार हूँ। ओह माय गॉड आराध्या, यू लुकिंग अडोरेबल। थैंक यू मिस। मिस, अगर मेरे को स्टेज पे सुसु आए तो कहाँ जाऊंगा मिस? चुप रहो दे, जाओ वहां जाकर बैठो। मिस रूपल, आपने राहुल को कहीं देखा क्या? नहीं मैम, मैंने नहीं देखा। माधव, तुमने देखा क्या? मिस मुझे नहीं पता, अभी तक तो यहाँ ही था। कहाँ गया ये लड़का? प्ले शुरू होने वाला है, मैं बाहर जाके देखती हूँ। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं सेंट मैरीज और सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट्स का मिलकर तैयार किया हुआ प्ले द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग प्रिंस। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड।
हुआ? राहुल मिला क्या? नहीं मैम, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मुझे तो कहीं नहीं मिला। चलो तुम लोग अंदर चलो, चलो चलो। ये कहानी बड़ी पुरानी सुनाती थी मेरी प्यारी नानी, और थी उसकी प्यारी सी राजकुमारी। राजा की यही थी विश कि कब मिलेगा मेरी प्रिंसेस को उसका प्रिंस, कब आएगी मेरी प्रिंसेस की बारी। राहुल, राहुल, राहुल को तो हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं। प्यारी प्यारी सी प्रिंसेस आई जंगल दोस्तों के साथ, लग पड़ी वो खेलने बॉल से, क्या जादू हुआ प्रिंसेस पे आज। प्रिंसेस की बॉल कुएं में गिर गई। राहुल कहां गया लड़का, प्रिंस की एंट्री का टाइम हो गया। राहुल, कभी अपने टॉयज को नहीं करते घुमाया। जैसे लाइट ऑफ होगी ना तो तुम कुएं में जाकर छुप जाना, ओके? चलो चलो, गो गो फास्ट। तब प्रिंसेस अपनी बॉल लेने चली, और प्रिंसेस ने जब वेल में देखा, ओह माय गॉड, ये क्या? तुम कौन? कुएं से ऐसा निकले जैसे जंगल के डॉन। ओ डियर प्रिंसेस, मैं डॉन नहीं, मैं हूँ एक राजकुमार। मुझे एक श्राप मिला था, इसलिए इस कुएं ने किया था मुझे गिरफ्तार। चिका पिका चिक पिक, चिका पिका चिक पिक। ओ डियर प्रिंसेस, बोल तभी वापस दूंगा तुम्हें जब कर्ज से आजाद करोगी मुझे। डोंट वरी क्यूट प्रिंस, मैं तुम्हें कर्ज से बाहर निकालूंगी। मैं हूँ एक प्रिंसेस, मैं तुम्हें फ्रॉग से प्रिंस बनाऊंगी। Thank you.
आराध्या भी ना बिल्कुल मेरी बेटी है। क्राउन प्रिंस देखकर स्टेज से डर के भाग गई, बट क्यूट था। ये कोई हंसने की बात है क्या? शर्म आनी चाहिए आपको कि आपकी बच्ची अभी से ये गोरे काले का भेद कर रही है। जरा इस बच्चे के बारे में सोचिए जिसका सबके सामने मजाक उड़ाया गया। थोड़ी ना होते। चुप कर। अगर तू अंदर नहीं चलेगी तो मैं तेरी चोटी खींचूंगा। माधव मेरा दोस्त है और वो अच्छा प्रिंस है। चल जा वापस अंदर। नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे ब्राउन बू को अपना प्रिंस नहीं बनाना। मैं एक फेरी प्रिंसेस हूँ। मेरा प्रिंस भी एकदम क्यूट सा अच्छा सा होना चाहिए। नहीं जाएगी तू? नहीं जाऊंगी। ये सही नहीं हुआ। आपकी बेटी स्टेज पर आके इस तरीके की बात कैसे बोल सकती है? मैम, आई अंडरस्टैंड बट सॉरी टू से कि आराध्या वाज नॉट इन्फॉर्म्ड कि प्रिंस लास्ट मिनट पे चेंज होने वाला है। अब लास्ट मिनट पे ऐसे प्रिंस चेंज होगा तो कोई भी बच्चा सरप्राइज हो सकता है, आराध्या ही क्या। एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली इसमें आराध्या की कोई गलती नहीं है। बच्ची है और बचपन से ही उसे ब्राउन बू से बहुत ज़्यादा डर लगता है। कभी टेलीविजन देखती है और उसमें कोई गंदा सा चेहरा देखती है तो बहुत डर जाती है और सहम जाती है। हम लोगों को टेलीविजन ऑफ करना पड़ता है। कीचड़ के पास कर ली थी और मैं चपा के कूदी मारी तो हो गई गंदी और कीचड़ में गिरी फुटबॉल जैसे हो गई। राहुल स्टुपिड, अगर उसकी मम्मी ने कंप्लेन की तो? मेरी मम्मी कितने जोर से चिमटी देती है तुझे मालूम है ना? और अगर सविता में इसको पता चलेगा तो हमें मुर्गा भी बनाएगी और टेस्ट में हम दोनों को अंडे भी देगी। तू जल्दी जाके उस लड़की को सॉरी कह के आ जा। नहीं
उसने तुम्हें ब्राउन बुक क्यों बोला? मैं किसी को सॉरी नहीं बोलता। क्लास में टीचर को तो सॉरी बोलते हैं। वो तो मैं जल्दी में लॉरी कहता हूँ। सर को सॉरी सुनाई देता है। तो तू उस लड़की को भी जल्दी से लॉरी कह के आ जा। और उस लड़की को लॉरी, फॉरी, डॉरी, कुछ नहीं कहने वाला मैं। तो सुन, उसे लिख के दे दे। ना मैं सॉरी लिखूंगा, ना मैं सॉरी बोलूंगा। टाटा, बाय बाय। Thank you.